हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सबको परेशान करता है, सबको, हर एक एस्पिरेंट को जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, सबको ये सब्जेक्ट परेशान करता है, बिकॉज ये बहुत वास्ट है। लेकिन इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, आपको इस तरीका को आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं पिछले 2 साल से एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मेरे को पता होगा कि कैसे इसको प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मैंने भी बहुत सारा गलती किया हूँ, मैंने मेरा गलती से सीखा हूँ कि कैसे इसको टैकल करना चाहिए कि आप शॉर्ट टाइम में ठीक ठाक स्कोर्स कर सको। देखो, अभी का जो ट्रेंड आ रहा है ना, तो आप अगर सोचोगे कि करंट अफेयर्स में मैं ज़्यादा स्कोर कर लूँगा, तो नहीं पॉसिबल है। झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है। पिछले का ट्रेंड ऐसा था कि आप करंट अफेयर्स में आसानी से मतलब करंट अफेयर्स एक स्कोरिंग पेपर था, लेकिन आप आज का जो ट्रेंड है ना, आप इसको कोडिंग सब्जेक्ट नहीं कह सकते हो। बिकॉज पिछले के टाइम में आप पीओ में और क्लरिकल में आसानी से आप 30+ स्कोर कर सकते हो, अभी कट ऑफ क्वालिफाई करने में लोगों का बैंड बच जाता है। तो इसको टैकल, जो क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत इन डेप्थ आ रहा है, तो इसको समझने के लिए आपको ठीक ठाक से इसको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, करंट अफेयर्स के लिए मैं दिखाऊंगा अभी मेरे लैपटॉप पे, मैं कहाँ से वीडियो देखता हूँ, मैं कहाँ से पीडीएफ पढ़ता हूँ, सब मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना होगा, करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे पहले वीडियो सोर्स फॉलो करना होगा, ठीक है। वीडियो सोर्स से क्या होता है, वीडियो सोर्स से एक तो आपका न्यूज समझ में आ जाता है, उससे आपको न्यूज याद रहता है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका जो न्यूज़ होता है ना, याद रहता है। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो 2-3 दिन बाद आप क्या होगा, भूल जाओगे, तो ठीक है। तो वीडियो सोर्स के लिए मैंने जो करता हूँ, वो मैं अभिजीत सर है ना, बैंकर्स वे पे, उसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा टीचर है, ज़्यादा फोकस सर का रहता है बैंकिंग के ऊपर, जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए सही है। उसके बाद एक पीडीएफ फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो, पीडीएफ के लिए आप जिस टीचर का वीडियो देख रहे हो, सबसे बेस्ट है कि आप उसी का पीडीएफ पढ़ लो। अगर आप चाहो तो दूसरे कोई प्लेटफॉर्म का पीडीएफ भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, डू नॉट राइट नोट का काफ़ी सारे एस्पायरेंट गलती करता है कि नोट बनाने लग जाता है। नोट नहीं बनाओ भाई, देखो एक 2 और 3 महीने के करंट अफेयर्स नहीं है, ये साल भर का करंट अफेयर्स होगा, तो आप कितना नोट बना बना के कॉपी बना दोगे। देखो, मैंने आपको दिखाती हूँ, देखो मैंने फेब्रुआरी में नोट बनाना चालू किया था, ठीक है। देखो, मैंने नोट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने उसके बाद बंद कर दिया। क्यों बंद किया था, जब सर क्लास के बाद खुद ही पीडीएफ दे रहे हैं, तो क्यों मैंने दोबारा उसको मैंने कॉपी में नोट करूँ, उससे अच्छा कि मैंने पीडीएफ को दोबारा रीड कर लूँ, अच्छा है ना वो। इसीलिए मैंने नोट बनाना स्टॉप कर दो, ठीक है। नोट बनाना टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, मोर फोकस, कुछ लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स में ज़्यादातर अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं, ज़्यादातर ऑब्विचुअरी पढ़ते हैं, स्पोर्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, जो कि कोई मतलब नहीं। सबसे मेन फोकस आपको रहना चाहिए बैंकिंग न्यूज़ पे, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़, कौन बैंक क्या लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा बैंक के साथ किसका एमओयू हो रहा है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर बैंकिंग न्यूज़ आप ठीक से कर लेते हो, तो आप 25% करंट अफेयर्स, 25-30% करंट अफेयर्स आपका कवर हो गया, ठीक है। अगर आप मानो पीओ में 40 क्वेश्चन आ रहा है, तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन की लगभग 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस से, मतलब बैंकिंग न्यूज से। सो आपको इसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई का सर्कुलेशंस, किस बैंक के साथ किस बैंक का पार्टनरशिप हो रहा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च हो रहा है, बैंक का ग्रोथ क्या है, इस जीडीपी ग्रोथ क्या है, इस सबको जीएसटी कलेक्शन, ठीक है, WPI CPI रटा होना चाहिए आपको एकदम। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं लैपटॉप ऑन करके दिखाऊंगा कि मैंने कहां से वीडियो देखता हूं और कहां से पीडीएफ रीड करता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन इज द की फॉर करंट अफेयर्स। अगर आप रिवीजन नहीं करो तो देख लो, नहीं होगा। अगर आप सबसे बाद संडे दिन क्या करो, संडे के दिन आप होल वीक का करंट अफेयर रिवीजन कर लो, उसके बाद जब भी महीना खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद एक महीने का करंट अफेयर्स बैठ के 2 और 3 दिन में आप रिवाइज कर लो। उसके लिए आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, और पीडीएफ में मैं दिखाऊंगा, हाईलाइट करना पड़ेगा,
हाईलाइट करने से क्या होगा, आप जब दोबारा आओगे ना एडिट करने के लिए, मतलब रिवीजन करने के लिए, आपको आसानी होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। सिर्फ आपको जो हाईलाइटेड पार्ट होगा ना उसको आपको सिर्फ पढ़ना होगा, तो इसलिए हाईलाइट करना पड़ेगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको मैंने कैसे हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, तो देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे जो बैंकर्स हो चैनल है ना, आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। यहाँ पे देखो टीचर है अभिजीत मिश्र सर, सर डेली 8 AM सुबह 8 AM सर यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्लास लेते हैं, ठीक है। इस क्लास को आपको डेली वॉच करना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्लास है ये। इसको देखने के बाद क्या होता है, सर क्लास के तुरंत बाद ना सर सर का टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF जो है उसको डाल देते हैं। तो अगर आप इस क्लास को देखने के बाद आप PDF को रीड करोगे तो आपको सर तो पहले समझा दिया, तो उसके बाद अगर आप PDF को रीड करोगे तो क्या होगा, आसानी से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको इस क्लास को डेली वॉच करना होगा, मैंने इस क्लास को डेली वॉच करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद कैसे PDF को रीड करना होगा वो मैं बताऊँगा अभी। यहाँ पे देखो मैंने एक PDF बना दिया डेली CA करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने हर एक मंथ का CA यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। देखो यह बार भी हर एक मंथ का CA मैंने अलग अलग फोल्डर कर दिया, मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था, ठीक है, इसलिए मैंने मेरे पास अप्रैल से PDF है। अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त महीने का PDF यह है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी करना चाहिए, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास हर एक डे का PDF है, अभी उस PDF के अंडर हर एक डे का, जैसे कि 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4, इस तरीके से 28, 29 अगस्त तक मैंने कर लिया सर, बिकॉज उसके बाद मैंने IUPS क्लर्क एग्ज़ाम देने के बाद करूँगा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम है तो इसलिए 2 दिन मैंने CA को स्टॉप कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक PDF ओपन करके कि मैं कैसे इसको हाईलाइट करता हूँ और कैसे आपको भी करना चाहिए और कैसे एडिट करना चाहिए। जैसे कि मैंने 5 अगस्त इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो सर डेली, देखो सबसे पहले यहाँ पे सर डेली जो PDF डालता है ना, सबसे खास बात यह है कि सर यहाँ पे टॉपिक वाइज डालते हैं। सबसे पहले डालता है सर यहाँ पे रैंकिंग रिपोर्ट इंडिसेक्स, देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ हाईलाइट कर दिया, जो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है सभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप दोबारा आओगे रिवीजन करने के लिए तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। आपको आप आसानी से इसको जल्दी जल्दी कर पाओगे, क्या रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी करना चाहिए। इसके बाद जो सेगमेंट होता है वो होता है अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन, ठीक है। देखो सबसे खास बात ये है कि सर यहाँ पे रिवीजन पॉइंट भी डाल देते हैं, ठीक है। देखो रिसेंट अपॉइंटमेंट बाय अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो रिसेंट अपॉइंटमेंट चेयरमैन, तो इससे क्या होगा, आप अगर आप PDF को रीड करोगे तो इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद देखो उसके बाद आता है सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देखो उसके बाद मैं कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट भी करता हूँ, जो सर क्लास में बोलता है ना उसको मैंने नोट करता हूँ कॉपी में, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट करके, ओके। उसके बाद देखो बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे डेटा वाला पॉइंट ज़्यादा है तो इसको आपको ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे भी रिवीजन पॉइंट डालता है, देखो रिवीजन पॉइंट RBI, हर एक न्यूज़ RBI रिलेटेड होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ से देखो इसके बाद आता है मर्जर एक्विजिशन, MOU एग्रीमेंट, मर्जर एक्विजिशन, अपॉइंटमेंट तो हो गया, उसके बाद नेशनल लाइफ, इंटरनेशनल लाइफ, स्पोर्ट्स, हर एक पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, हॉचपॉच नहीं मिलेगा, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। और रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है, इसको आप रिवीजन करने के लिए हाईलाइट करना पड़ता है ताकि रिवीजन करने आपको टाइम कम लग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, तो आप चाहो तो सर को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा फैकल्टी है, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए।